से बात करते हुए बिहार के कद्दावर नेता शरद यादव ने कहा कि लोकतांत्रिक जनता दल का एक ही मकसद सब दलों की गोलबंदी करना और बीजेपी को हराना। अब मैं जो आपसे बोला हूँ उसमें जो सवाल पूछना चाहता हूँ सर, लोकतांत्रिक जनता दल राजस्थान में किस आधार पर आ रही है, क्या इसकी भूमिका रहने वाली है जो विधानसभा के चुनाव सामने है? आपने जो बात पूछी वो ठीक बात पूछी है। लोकतांत्रिक जनता दल का एक ही मकसद है कि सबको गोलबंद करके बीजेपी को पूरी तरह से राम राम सत्य है सत्य बोलो गलत है। कांग्रेस के साथ जाएंगे फिर आप? कांग्रेस या ड्राइविंग सीट पे कांग्रेस की जो है वो चारों तरफ से उसको मजबूत करें। सम्मेलन कर का जो है उसका मकसद भी यही था। अभी हम आ रहे हैं मध्य प्रदेश मुंबई से, फिर आप क्या आए, इसलिए हमारा काम है कि सारी विरासत आपके सामने किया। तो जो मित्र पूछ रहे हैं बात तो पूछ रहे हैं लेकिन आपकी याददाश्त कमी हो रही है। कितनी सीटों पे समझ जाने, यहाँ 22 पार्टी से हमने साझा विरासत की थी, यहाँ जो छोटी छोटी पार्टी उनका भी हम सम्मेलन किए, उनसे कहा है कि पहला काम बीजेपी द्वारा आना, ये संविधान खतरे में है। एक आपातकाल था तो दिखता था, आज दिखता नहीं ऐसा आपातकाल। मुजफ्फरपुर में हुए उसकी सीख लेनी चाहिए, कमीशन बनना चाहिए, सीबीआई की जांच नहीं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच करे तब काम होगा। एसपी नए न्यूजरूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।